सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके साथ 2.75 मीटर फैब्रिक में सलवार की कटिंग करना बताएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी। तो उसके लिए जहाँ से हम इस तरह से कपड़े को खोलेंगे और ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। इस फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे हम डबल फोल्ड करके रखेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से इसकी ओपन साइड है जहाँ से इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। जो टोटल लेंथ है हमारे पास सलवार की वो 34 इंच है। अब 34 इंच में हम 5 इंच बेल्ट के लिए कम करेंगे तो हमारे पास आएगा जहाँ पर 29 इंच। 29 में हम 1 इंच ऐड करेंगे कटिंग के लिए तो हमारे पास आएगा जहाँ पर 30 इंच। अब जो हम कटिंग करेंगे वो हम 30 इंच की करेंगे, 30 इंच की। तो सबसे पहले जहाँ पर हम देखिए इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है हमने। अब उसके बाद जहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम जहाँ से बेल्ट कट करेंगे, देखिए इसी तरह से हम ऊपर 8 इंच के निशान लगाकर इस कपड़े को कट करेंगे। देखिए अब जहाँ से इसे कट कर देंगे, जी देखिए अब जहाँ से हम कट कर देंगे अब उसके बाद जहाँ पर हम देखिए ऐसे 1/2 इंच जहाँ से छोड़ेंगे। अब उसके बाद जितनी हमारी बेल्ट है, जैसे हमारे पास बेल्ट 24 इंच है, 24 इंच, उसका निशान लगाएंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए इस तरह से आप जहाँ से इसे कट कर देंगे, ये कपड़ा हम मूरी में यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 5.5 इंच रखते हुए ऊपर से नेफा फोल्ड कर देंगे और 1/2 इंच हमारा नीचे प्लेट्स में चला जाएगा तो हमारी जहाँ से 5 इंच बेल्ट तैयार रह जाएगी इस तरह से। अब उसके बाद जहाँ से हम सलवार के पार्ट्स कट करेंगे तो उसके लिए जहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे 30 इंच और जो मूरी है हमारे पास सलवार की पोंचा वो 7 इंच है तो हम जहाँ पर 14 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम 14 इंच के निशान लगाएंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे जो हमने निशान लगाए हैं, ये देखिए ऐसे। अब उसके बाद जहाँ से हम 30 इंच का निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच की मूरी रखेंगे जहाँ से, और इसी तरह से ये 30 इंच का निशान हम दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। जैसे हमने जहाँ पर लगाया है 30 इंच का तो हम दूसरी साइड इसकी अपोजिट साइड लगाएंगे जहाँ पर, देखिए इस तरह से हम 30 इंच का निशान लगाएंगे और जहाँ से 1.5 इंच की मूरी रखेंगे वैसे ही। अब इस मूरी को हम दूसरी मूरी के साथ मैच करते हुए निशान लगाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद इसके जहाँ से इसे हम कट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से,
अब उसके बाद जहाँ से हम कट करेंगे अब उसके बाद जो हमारा जो दूसरा कुंदा है इस कुंदे को इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर सेट कर रखेंगे अच्छे से। देखिए ऐसे हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है कुंदे को। अब जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था ऊपर उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए ऐसे फोल्ड कर जहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे, आसन हमारा 9 इंच है तो हम 10 इंच की कटिंग करेंगे। इन निशान को हम इस तरह से तिरछा मैच करेंगे और जहाँ से इसे कट कर देंगे। अब उसके बाद जहाँ पर जो हमारी जुड़ी हुई साइड है ये देखिए इसे भी यहाँ से अलग अलग करेंगे कट कर। देखिए इस कटिंग से हमारा कोई भी सलवार का कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, फुल हैवी सलवार की कटिंग हुई है हमारी। और इसे हम इस तरह से रखते हुए बस वैसे स्टिच कर देंगे जहाँ से कैसे फोल्ड कर हम इसके साथ स्टिच लगा देंगे। और जे रही हमारे सलवार के पार्ट्स और जे रही इसकी बेल्ट, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग भी देखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।